हेलो जी, वी आर बैक। फिल्म का नाम मैं आपको आगे बता ही दूंगा, लेकिन फिल्म की शुरुआत में देखने को मिलता है एक औरत है जिसका नाम है कैथरीन। वो अपने बड़े बेटे की मौत का बहुत दुख मना रही होती है क्योंकि उसके बड़े बेटे की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। उसका एक छोटा बेटे भी होता है जिसका नाम होता है जूडी। वो भी अपने भाई के मरने का काफ़ी दुख मना रहा होता है, लेकिन उसके पापा ने उसकी मॉम को छोड़ दिया होता है उस एक्सीडेंट के बाद। और फिर वो उन्होंने एक औरत से शादी कर ली होती है, मतलब जूडी की स्टेप मदर। जूडी जो है आदमी है, याद रखना, ठीक है। और जिसकी स्टेप मदर है उनका नाम है एलिस। और जूडी के पापा आते हैं और बोलते हैं कि बेटा तू अपना तो काम वाम देख, घर भर मेरा छोड़ दे, अब जरा मैं तेरी नई स्टेप मम को देखता हूँ कि वो क्या किस किस एंगल से मेरा ख्याल रखती है। हाँ, वो ऐसा बोलता है। और फिर इसके बाद एलिस दिखती है, एलिस ये है। और फिर एलिस को देखने के बाद जूडी बोलता है कि हाँ चल ठीक है, लेकिन एलिस बोलती है कि चलो घबराओ मत, सब सही हो जाएगा और तुम्हारे भाई की मौत का मुझे दुख है। इतने में कैथरीन बोलती है कि बेटा वाकई तुम्हें कुछ काम वाम करना चाहिए। वो जूडी को समझाती है कि जूडी को कुछ करना चाहिए। और फिर जूडी भी सोचता है कि हाँ वाकई मेरे को कुछ करना चाहिए। तो वो एक डोमिनोज पिज्ज़ा की दुकान पर लग जाता है, अपना कपड़ा वपड़ा साफ़ करता हुआ वो हायर कर लेता है उसको, और वो डोमिनोज की पिज़्ज़ा में लगना चालू हो जाता है। और फिर वो काम कर रहा होता है, एकदम वो हिला रहा होता है, हिलाते में एकदम उसे एलिस देख लेती है और वो पकड़ा जाता है। और ये पकड़ने के बाद एलिस वहाँ से भाग जाती है, देखती है कि ये क्या कर रहा था भाई साहब ये। वो जूडी शर्माया था, वो वहाँ से घर से भाग जाता है। और फिर वहाँ उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है एवी। एवी उसकी कॉलेज फ्रेंड है, और एवी और वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जूडी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा क्योंकि उसे करियर पर फोकस करना है। लेकिन फिर भी यार लड़की तो लड़की है, दिल तो आ ही जाता है। इस वजह से एवी उसका पीछा करता है और फिर वो दोनों बातचीत करना चालू कर देते हैं। फिर जब वो घर पर आता है तो वो देखता है कि एलिस जो है बस मतलब टॉवल वगैरह में खड़ी हुई है। और फिर इसके बाद वो उसे पकड़ता है और फिर वो दोनों सीन करते हैं, बूम बाम, मतलब बहुत ही तेज़ी से कर रहे थे यार, देखा नहीं गया मैंने सही होता हुआ। और फिर वो सीन कर रहे होते हैं, लेकिन सीन करते करते ही इसका थर के बाप जो बुढ़ा होता है एकदम वो आ जाता है। ये दोनों बहुत जोश में थे, लेकिन एकदम से जूडी कैसे करके अपना ध्यान हटाता है, और हटाते के साथ ही वो बाथरूम में भाग जाता है। और थर के पापा देखते हैं कि ये कहाँ लेटी हुई है वो बिना कपड़ों के। तो अरे बोलती हूँ थोड़ी तबीयत से ख़राब हो रही है, तो बोलता है अरे कपड़े तो उतार रखे हैं, तो चलो यार कोई बात नहीं, हम भी कर लेते हैं। तो वो भी उतारते हैं अपने कपड़े वगैरह और वो भी चालू हो जाते हैं। और ये जूडी देख के जूडी बहुत गुस्सा हो रहा होता है, मतलब ये क्या हो रहा है। खैर उसे गुस्सा होना नहीं चाहिए भाई, उसकी बीवी वो कुछ भी करे, लेकिन जूडी वहाँ से मौका देकर भाग जाता है। लेकिन फिर जब भी ये खाली होते हैं दोनों इंटीमेट ज़रूर होते हैं, मतलब सीन करते ही करते हैं ये जब भी ये खाली होते हैं। और फिर ऐसे धीरे धीरे करके ज़िंदगी चल रही होती है। लेकिन डोमिनोज के पिज़्ज़ा पे एवी उससे मिलने आती रहती है। ये जूडी से एवी काफ़ी अच्छी लड़की है, तो जूडी को भी धीरे धीरे उसे लाइक मतलब उसे पसंद करना चालू कर देता है, और उसको हल्का हल्का उसके लिए फील होना भी चालू होता है। और एवी उसे बोलती है कि आज रात को पार्टी में ज़रूर आना। वो बोलता है हाँ मुझे को पार्टी याद है। फिर वो उसे अपने घर पर लेके आता है। वो घर पर सीन करने वाले होते हैं, लेकिन एकदम एलिस आती है और बोलती है कि तुमने अपने फ्रेंड से मिलाया नहीं। तो बोलता है कि मेरी कॉलेज फ्रेंड है, लेकिन एलिस उसे नहीं चाहती कि वो किसी और के साथ सोए क्योंकि वो अब उसे पसंद करने लगी है जूडी को। इस वजह से एलिस कैसे करके बाहर ढूंढ के उसे घर से निकलवा देती है एवी को। और फिर जूडी बोलता है कि सर हम कल मिलते हैं। और फिर इसके बाद वो बाहर मिलते हैं, और बाहर मिलने के बाद वो हल्का फुल्का किस वगैरह करते हैं, और लेकिन इंटीमेट वो नहीं हो पाते क्योंकि एलिस घर में आने नहीं देती इन लोगों को। इस वजह से ये लड़की मतलब सही नहीं थी, एलिस जो थी स्टेप मदर सही नहीं थी इसकी। और फिर इसके बाद एलिस हल्का सा किस करती है और वो चला जाता है। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है डोमिनोज पिज़्ज़ा का सीन। डोमिनोज पिज़्ज़ा पे क्या हो रहा होता है कि वो बहुत लेट काम पे आता है, तो इस वजह से डोमिनोज की नौकरी से भगा दिया जाता है। उसे कहता है चल निकल पकौड़े पहली फुर्सत में निकल, ऐसा बोल के उसे भगा दिया जाता है। और फिर वो कपड़े वगैरह उतार के उसको कपड़े दे के भाग जाता है वहाँ से। फिर इसके बाद वो जाता है अपने घर पे एवी के साथ, और एवी के साथ जाते हुए जाता है एलिस के पास। एलिस उसे बोलता है कि ना तो मेरे साथ सोती हो ओ ना तुम मेरे साथ अब सोते हो, और ना ये वो ना तुम उससे बात करते। तो एलिस उसे मानने लगती है। और फिर इसके बाद उसके पापा आते हैं, और एलिस के पापा को सब कुछ बताए थे कि इनने मेरे साथ भी सीन करा है और एक लड़के को भी पटा रहा है, मतलब हर काम गलत काम ही कर ही रहा है। और ये देखने बाद उसके पापा पागल हो जाते हैं, उसके पापा और वो मानने लगते हैं। लेकिन ये जो चूड़ी है ये भी गलती करता है, ये अपने पापा को उल्टा हाथ उठा देता है, जिस वजह से इन दोनों में बराबरी की चोट आती है। और फिर इसके बाद जो है एलिस उसे घर से बाहर निकालती है और उसके पापा को हॉस्पिटल लेके जाती है। और फिर जूडी समझ जाता है कि मेरे यहाँ पर रहने कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे अब लात मार के निकल लिया गया है। फिर इसके बाद वो एवी के पास जाता है, और फिर वो दोनों एवी और वो दोनों साथ में रहने लगते हैं। और फिर इसी के साथ ही मूवी बेहतरीन थी, काफ़ी ख़त्म हो। और मैं YouTube पर नया अपडेट आया, मैंने देखा तुम लोग सर्च कर रहे हो कि CBSE का रिजल्ट कब आएगा। अरे यार CBSE का रिजल्ट जब आएगा तब आ जाएगा, और तुम सर्च कर रहे हो कि मदर डॉटर रिलेशनशिप मूवीज, ये सब क्या देख रहे हो यार, जो मैं दिखा रहा हूँ वो देखो ना, ये तुम उल्टा सीधा क्यों सर्च कर रहे हो, आपका भाई आपको दिखा रहा है ना, तो ये देखो ना बैठ के यहाँ पे। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, मुझे पता चल जाएगा तुम क्या सर्च कर रहे हो। तो ज़रा संभल के चैनल को लाइक करके चले जाना यार, ठीक है।